आज हम आपको दुनिया के सबसे पुरअमन शाइस्ता लोगों की सरजमीन और खूबसूरत वादी बम्बुरेक लेके जा रहे हैं। अभी हम दुकान से फ्रूट उठा रहे हैं ताकि रास्ते में कुदरती मनासिर आपको दिखाने के साथ साथ हम भी अपनी भूख मिटा सकें। वैसे भी मुझे होटलों का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगरचे आज धूप निकली हुई है लेकिन जानलेवा ठंड है। हम बाकायदा तौर पर अपने सफर का आगाज कर चुके हैं। इस वक्त हम चित्राल छावनी को क्रॉस कर रहे हैं। आज चतुर्मस जिसे चोमोस भी कहा जाता है आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ रास्ते में आने वाले खूबसूरत कुदरती मनाजिर को अपने कैमरे की आंख में कैद भी कर रहे हैं। वादी कैलाश का तवील तरीन मजहबी त्यौहार आज बमुरेद में खत्म होने जा रही है। ये बकरबात चित्राल से चित्राल टाउन का हसीन नजारा, तिरजमेर की चोटी का नजारा भी आप कर सकते हैं जो कि इस वक्त बर्फ से ढकी हुई है। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। वैसे भी चित्राल में इन दिनों सर्दी अपनी पीक पे है। ये टनल जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये ड्यूटी लिस्ट ब्रोस के मकाम पे वाके हैं। अफगान रूस वार के जमाने में अफगान रिफ्यूजीज ने ये सुरंग बनाई थी और बाकायदा एक कैंप की हैसियत से वो लोग यहाँ रहते थे। ये बगैर हैवी मशीनरी के बनाई गई काफी लंबी बड़ी सुरंग है। अकेला यहाँ आना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ अंधेरा है, सन्नाटा है। यहाँ दिन के उजाले में भी रात का मंजर है। अभी हम वादी ओयोन में दाखिल होने वाले हैं। ये पुल काफी पुराना और बोसीदा हो चुका है। हमारा सफर आहिस्ता आहिस्ता जारी है। ये चित्राल की सबसे खूबसूरत वादी ओयोन है। इस मौसम में अगरचे हरियाली अलविदा कह चुकी है, पहाड़ों के बीचों बीच इस हसीन वादी के हुस्न में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। मेरे साथ मेरे दोस्त बाइक के साथ जिस्मानी ताकत का मुजाहिरा करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अभी भी बम्बुरेद पहुँचने में यहाँ से एक घंटा लग सकता है। इस एरिया की बात ही कुछ और है दोस्तों। खासकर जब बहार आती है तो ये वादी देखने वालों को दावत नजारा देती है। हमारा सफर इन कच्चे रास्तों पे जारी है। खतरनाक रास्ते भी हैं। शायद इन्हीं रास्तों के हवाले से मुस्तफ़ा जेदी ने यूं कहा था, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। बल खाती हुई सफर करके हम अभी दुबाश पहुंच चुके हैं। यहाँ एक चौकी भी कायम है। चित्राल लेवीस और चित्राल पुलिस के जवान हमेशा आपको चौकस यहाँ पे नजर आएंगे। ये टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के साथ साथ सिक्योरिटी और शराब वगैरह स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ दो सड़कें जाती हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। दाएं तरफ रंबूर को जाती है और बाएं तरफ बम्बुरेद को। तो हमें जाना है बम्बुरेद। फतहुल्ला साहब हमें मिल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। इश्फाता कहेंगे आपको। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। फतहुल्ला साहब ये बताएं, ये जो अभी त्यौहार जारी है इसका क्या मतलब है? ये जो फेस्टिवल आप मना रहे हैं अभी ये ख़त्म होने वाले। इस फेस्टिवल का जो चित्राली में इसे चतुर्मास कहा जाता है, जो हम मुकामी लोग हैं वो चौमस के, तो ये चौमस फेस्टिवल 7 दिसंबर से स्टार्ट होती है। पहले ये रंगों से स्टार्ट होती है, उसके बाद इसके जो अहतान है वो बम्बुरेद से होते हैं। तो इस दौरान हम अपने मसाबी जो रसूमात होते हैं वो अदा करते हैं। इस फेस्टिवल को जोश व जज्बे के साथ। अच्छा, कितने दिन लगते हैं इसमें? इसमें तकरीबन 15 दिन लगते हैं। तो मुख्तलिफ रसूमात दिन की मुनासबत से शॉर्टली बताएं कि इसमें क्या होता है, इस त्यौहार में खास क्या होता है? इसमें सबसे आम चीज़ ये है कि हम दुआ करते हैं। सबसे पहले हम दुआ करते हैं कुर्बानी की, जो बकरी होते हैं वो सजगो नाम एक गाँव है, वहाँ जाके हम कुर्बानी करते हैं। उसके बाद हम इज्तिमाई दुआ करते हैं। वो सबसे हम समझते हैं कि वो मुल्क के लिए भी हम दुआ करें, जो लाशी उनके लिए भी दुआ करें। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। अभी तकरीबन मतलब वक्त गुजरता जा रहा है, आखिरी मतलब क्या रसूम बाकी है जो अदा करना अभी बाकी है? अभी जो अभी चल रहा है जी जी, यहाँ पे इस तरह होगा कि एक लुमड़ी का तलाश करेंगे। उसके बाद ये जो इस साल का वो पेशगोई करेंगे कि यार ये जो साल है ये किस तरह होगा। तो अभी मेरे मालूम के मुताबिक मिल चुकी है कि नहीं? मेरे मालूम के मुताबिक अभी तक लुमड़ी नहीं मिली है और ना ये
پیشنگوئی ہو چکی ہے کہ یار اس سال کس طرح ہوگا، اس سال برف ہوگی یا موسم کس طرح ہوگا، اس سال کے حالات کس طرح ہوں گے، وہ ابھی تک معلومات نہیں ملی. اچھا فتح اللہ صاحب، چلو آپ کہیں جا رہے تھے، ہم نے آپ کو روک لیا، ایم سو سوری فار دیٹ. چلتے چلتے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے ویورز کو؟ ہاں، میں ان لوگوں سے معذرت خواہوں جو میرے دوست ہیں، جو مجھے جانتے ہیں، وہ اکثر مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ یار ہم آ رہے ہیں تو یہ فیسٹیول جو ہوتی ہے اس میں پابندی ہے غیر کلاشیوں کے لیے، اچھا تو اس میں وہ حصہ نہیں لے سکتے. ان کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ یار آپ لوگ حصہ نہیں لے سکتے اس فیسٹیول میں، باقی آپ دوسرے جو فیسٹیول ہیں ان میں آپ شرکت کر سکتے. آج بھی ابھی جو آپ مجھے یہ پہنا چکے ہیں، اس چیز کا کوئی خاص نام ہے؟ ہاں، شو کے کہا جاتا ہے. یہ مہمانوں کو پیش کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، مہمانوں کو بھی پیش کرتے ہیں. ہم ایک عزت کے طور پر اس کو کسی بندے کو پیش کرتے، چاہے وہ کلاش ہے یا دوسرا کوئی مہمان. اچھا، یہ ٹریڈیشنل ہے؟ ہاں ہاں، یہاں پہ بنتی ہے مطلب؟ ہاں، مقامی. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ نوے کی جو جنگل کی سٹیٹس تھی، آج کی جنگل کی سٹیٹس میں ابھی اپنے سٹاف سے بات کر رہا تھا، اس سے اچھی. اچھا، ماشاء اللہ. اور یہ بالکل غلط وہ ہے کہ جنگل، یہی کہوں گا کہ ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا پلاننگ بھی ہو رہا ہے، بس کو ٹوریزم پہ ہم کام کر رہے ہیں، تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سر نے کہا جس طرح کے ڈائیورسفائی فارسٹ بھی، ابھی ڈائیورسفائی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ڈائیورسٹی کی طرف، کہ ہم صرف جنگل پہ ڈیپینڈنس لوگوں کی ختم کریں، ایکو ٹوریزم لائیں ادھر سے، دوسری جو چیزیں این ٹی ایف پی سے ریلیٹڈ. Thank you.
चल रही है अब आया चुका है कि मतलब मिलाओ की सुनी कुछ भी टाइम देखो बचे फील आ गया कि फेस्टिवल चल रही है फेस्टिवल ओपन है चोमोस आई क्या बात स्टार्ट विद यू शो क्या बात खत्म हुआ अच्छा चोमोस मतलब आया क्या खास थे बात क्या हुआ आया क्या कि रक्स चल रही है क्या अच्छा क्या हो गया आया न्यू से कुछ शर्ट ले एकदम आया कुछ शर्ट ले बहन आया न्यू कुछ काम पे मगर आज न्यू अच्छा हेलो दियो की है त्यौहार आया हो कंप्लीट फुल त्यौहार शुरू हो गया क्या क्या चल चल अच्छा हया लगा पूरा दुनिया खास पूरे टूरिस्ट है दुनिया पाकिस्तान पाकिस्तान ही से है भी तो लगा था कि अपना किला को या पैगाम हो रही है कि हया फेस्टिवल से मेहमान है बिल्कुल ऐसे वह तेवर क्या खास क्या हो यार कुछ मतलब है तो खुशी में अधिक का खास है तेवर का क्या है तो सुन लीजिए बस 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 वाह वाह दिख रही है आया बुक पास कर दे इस पर दस हम जो मैं भी मुशारम तो वाह हो यार जी वन से पॉइंट देखो छुचो छुची स्टार्ट है कैमरा पे चेक इस बार छुची छुची खत्म हो गया हेलो हेलो कैसे हो कानून लेस मुझे क्या नहीं इसका हमारी मियां ने फिर माता की मत बता हम अंजनी ओ माता जी नो मालिश का ये तो बहुत अच्छी की रहा ना बहुत अच्छी की रहा ओ अच्छा कभी जैसे अच्छा अच्छा कभी जैसे हो अंगोनी और वो क्या जगह थी पहला पूरी थी क्या जगह थी हया ना कोई ना हया ला की तो हां वो अगर मेरा नाम गीतिया तो हां इंजीनियर तो वो इस पे मिला अच्छा बिकॉज़ क्या सही टेक भाई क्या नहीं आई आई जस्ट डियर साइड की बगाई ही नहीं ज्यादा कोई हाई साइड का भाई नहीं ज्यादा अच्छा पक्की है अच्छा 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 देखो आयो तो क्या क्या कहना है तुम लोग आया तक मैं माय चेंज आदेश तू भाई चेंज भाई आगे तो चलो चलिए ये फेस्टिवल कब शुरू हुआ था 9 दिसंबर को आज इसका आखिरी दिन जी अच्छा ये साल में सिर्फ एक ही बार मनाते हैं आप हाँ, एक बार इसके बार मनाते हैं आप फिल्म फेस्टिवल के बाद फिर उचाल में क्या होता है उचाल में रात डांस करते हैं और फिल्म फेस्टिवल में भी आप मतलब वही रक्स करते हैं अच्छा वो डुमरी के हवाले से शायद आप बता दें डुमरी मतलब कुछ डुमरी को जिंदा पकड़ते हैं ना फिर उसको अच्छा फिर यहाँ पे छोड़ दे या पहाड़ पे जाते अच्छा ये बताएं कि वो अगर मगरिब की तरफ चली जाए या मगरिब की तरफ चली जाए तो क्योंकि हमने सुना है सुना अच्छा तो उससे क्या हो जाए नॉर्थ की तरफ चले जाए चले जाए तो क्या हो जाए हरियाली होगी अच्छे दिन आएंगे अगर अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता उसी तरफ चले जाए तो क्या होगा क्योंकि बारिश होगी बारिश ज्यादा
तो आपका क्या ख्याल है साल मतलब जैसे दिन आएगा अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन इंशाल्लाह। अच्छा उम्मीद पर दुनिया का है, हमारी दुआएं आपके साथ है कि इंशाल्लाह आपकी उम्मीद सच साबित हो और आपके अच्छे दिन आए। तो टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फेस्टिवल के एरिया में मौजूद है नबील साहब, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ये लाहौर से काफी लेंथी ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो नबील कैसा लग रहा है यार यहाँ पे आके? इस वक्त में आप आ चुके हैं जबकि चतराल में सर्दी पीक को पहुँच चुकी है। ऐसी सर्दी तो काफी इधर गेस्ट आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है। अच्छा इस फेस्टिवल को आप एंजॉय कर रही हैं? अच्छा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यहाँ की बसी रह जाऊंगी, हम पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, प्लीज अपने मुल्क में गाना बजाया करें। डिफरेंट कल्चर है इनका यहाँ और अनटच्ड है, रॉ है, तो ये एक मुख्तलिफ चीज है। और सबसे अच्छी बात ये कि मुसलमान भी है और जो कैलाश का अपना रिलीजन भी है, वो सारे को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक ही जगह पे, तो ये एक बड़ी यूनिक सी चीज है इस एरिया की। अच्छा कहाँ लाहौर का मौसम और यहाँ तो सर्दी काफी ज्यादा है, किस तरह फील कर रहे हैं? बस गर्म कपड़े पहन के आए हैं, इतनी नहीं है सर्दी। अच्छा ये बताएं कि खासकर चित्राल के हवाले से या चित्राल से जरा हटके इस कल्चर के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि उनको देखें कि वो किस तरह अपनी जिंदगी के साथ साथ वो अपने कम्युनिटी को एंजॉय करते हैं। तो आपस में लड़ाइयाँ होती होंगी, सबकी होती है, लेकिन ये कि जब मौका होता है तो सब मिल भी जाते हैं। तो यही एक मैसेज है कि मुसलमान भी हैं और भी मजहब हैं, सब मिल के रहें। हाँ चलिए जी, आप लोग यहाँ आके मतलब कितने इन्फॉर्मेशन हासिल किए चोमो स्किल का कस्टमर? अच्छा चलते चलते मैं आपसे भी कुछ ओपिनियन पैगाम लेना चाहूँगा कि इस फेस्टिवल के हवाले से इससे आपके क्या कहना चाहेंगे आप? पैगाम हम लोग ये कहना चाहेंगे कि ये जगह डेवलप होना चाहिए और ये भी कहते हैं बहुत पीसफुल। एम पी एस साहब मौजूद हैं, वजीर ज़ादा साहब, तो इससे बेहतर इस फेस्टिवल के हवाले से कोई हमें नहीं बता सकता। तो आज के इस फेस्टिवल के हवाले से शॉर्टली हमारे व्यूअर्स से कहना चाहेंगे जी, ये कैलाश की जो है एंड ऑफ द ईयर इसको कहते हैं, चौमोस कहते हैं, ये मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल है। 7 दिसंबर से 22 तक मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होते हैं इसमें, रिचुअल्स होते हैं इसमें, नाच गाने भी होते हैं इसमें, हम इबादत भी करते हैं, अल्टर में कुर्बानी भी करते हैं। तो ये एक हमारे कैलाश मज़हब में ये सबसे बड़ा त्यौहार है और जिसको हम चौमोस कहते हैं। बड़े पुरसकून और अच्छे तरीके से ये त्यौहार गुजर गया, आज लास्ट डे है। तो ये इस पाकिस्तान की खूबसूरती है, 2500 साल पुरानी एक सकाफत, एक यूनिक कल्चर जिंदा है। तो इसमें क्रेडिट जो है यहाँ के मुसलमानों को भी जाता है कि वो हमें एक भाइयों की तरह एकोमोडेट किए हैं। तो ये पाकिस्तान की खूबसूरती है चौमोस फेस्टिवल में। अच्छा। तरफ से सबको मुबारक हो, लास्ट डे, बहुत बहुत मुबारक हो। ये इस्तेहबार का कोई अभी सेगमेंट बाकी है? ये फाइनल है, इसके बाद कुछ एक दो एक्टिविटीज होंगे लेकिन वो इस फेस्टिवल के हिस्से नहीं है। अच्छा ये वीडियो पूरी दुनिया देख रही है, खासकर यहाँ पे काफी गेस्ट आ रहे हैं, तो इस फेस्टिवल के हवाले से आज से जरा हटके व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए हमने कैलाश डेवलपमेंट अथॉरिटी बना ली है, कैलाश वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और टूरिज्म को हम मैनेज टूरिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि टूरिस्ट आए तो उनको वो कल्चर देख भी सके और वो उनको पूरी मालूमात भी हो, उसको मुतमईन होके जाएं। और ये जो फेस्टिवल प्लेसेस हैं इनके लिए हमारी हुकूमत ने ज़मीन खरीदी है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर जो है इसकी कंस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं, तो हम बेहतरीन सीटिंग अरेंजमेंट्स देंगे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कैलाश और मुस्लिम लोग दोनों जो हैं वो टूरिस्ट को वेलकम करने लोग हैं, वो आएँ यहाँ के लोग उनकी सकाफत की कदर करें। कैलाश के लोग वो आज़ाद लोग हैं लेकिन जो कंसेप्ट है हमारे नेशनली जो सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है, कैलाश के लोग बहया लोग हैं, बेहया लोग नहीं हैं। तो उनकी कल्चर की तहफ़ करना टूरिस्ट की भी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है, तो लोगों की कदर करें, यहाँ आए, इस सकाफत को एंजॉय करें। एम पी वजीर ज़ादा साहब, वंस अगेन चौमोस, बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू।
तो जनाब ये रहा हमारा आज का टूर, यहाँ से वापस रखते सफर बांध रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इस चमोस फेस्टिवल के हवाले से काफी अहम मालूमात हमें हासिल हुई। और यहाँ हम मतलब पाकिस्तान भर से आए हुए और पाकिस्तान से बाहर जितने भी ये मतलब टूरिस्ट आए हैं, तो इस वक्त ये टूर जो है ये अपने अख्तिताम को पहुँच रहा है। तो इंशाल्लाह इस तरह व्लॉग बनाते रहेंगे हम और इस तरह खूबसूरती को आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल तो सभी रखते हैं, आप उन लोगों का ख्याल रखें कि जिनका कोई ख्याल नहीं रखता, लेकिन सर्दी काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है।